Hello students, now let's start our second chapter, microorganisms, friend and foe. So let's dekh lete hain iska revision. So what are the microbes? So microbes or the microorganisms are a tiny organisms which are so small that we cannot see with the naked eyes. मतलब कि वो इतने छोटे होते हैं कि हम हमारे डायरेक्ट आईज से उसको नहीं देख सकते. Some microorganisms can be seen with the help of the magnifying glass. अगर हम magnifying glass का use कर सकते हैं, तो उसमें से काफी सारे microbes हमें देखने को मिल सकते हैं. जैसे कि जो fungus होते हैं, grows on the bread. Bread पर जो growth होते हैं, वो हम magnifying glass से देख सकते हैं. While some can only be seen when you use the microscope. मतलब काफी तो उससे इतने छोटे होते हैं कि जब हम माइक्रोस्कोप का यूज करें ना तभी हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द एंटोनी वैन लियोन वैन हॉक. तो उन्होंने फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फाइंड किया था, जैसे कि वायरल, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा. अभी उनसे कौन से डिजीज होते हैं वो हम बात कर ले. तो वायरस से होते हैं कॉमन एलिमेंट्स में अगर हम बात करें तो कोल्ड, कफ, इन्फ्लुएंजा, जिसको हम फ्लू भी बोलते हैं. तो दीज आर द कॉमन डिजीज. अगर हम सीरियस डिजीज की बात करें तो पोलियो, चिकन पॉक्स, मिसल्स. तो दीज आर द सीरियस डिजीज कॉज बाय द वायरसेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया के बारे में भी हमने सुना है, उससे जो डिजीज होता है उसमें होता है टाइफॉइड और ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको हम टीबी बोलते हैं. एंड प्रोटोजुआ, तो प्रोटोजुआ से कौन से डिजीज होते हैं, उसमें मलेरिया एंड डिजेंसरी. तो दीज आर द डिजीज दैट कॉज बाय द प्रोटोजुआ. ओके, नाउ देयर आर फोर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी हैव. तो चार टाइप के हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजुआ एंड एल्गी. ओके, तो उनसे उनके नाम है नीचे दिए गए हैं, जैसे कि बैक्टीरिया के नाम दिए हैं कोकस, बैसिलस, स्पिरुलियम. फंगस की बात करें तो उसमें ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परिलस. प्रोटोजुआ में अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम. और एल्गी में बात करें तो क्लैमिडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा. तो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और नीचे उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं. ओके, उसमें फर्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया की. तो बैक्टीरिया आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स. तो बैक्टीरिया एक ही सेल के बने हुए होते हैं विद द रिजिड सेल वॉल. और उनके आसपास जो सेल वॉल होती है, एक ही सेल होता है और वो सेल के आसपास जो वॉल होती है वो बहुत रिजिड होती है. एंड दे कैन ओनली बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप विद एनलार्ज इमेजेस फ्रॉम 100 to 1000 टाइम. अगर ऐसा माइक्रोस्कोप हो जिसमें 100 to 1000 टाइम्स हम उसको एनलार्ज कर सके तो ही हमें वो बैक्टीरिया दिखेंगे. ओके, ये सिंपल सी एक फिगर दी गई है बैक्टीरिया की. ओके, नाउ लेट्स सी द सेल्स ऑफ द बैक्टीरिया. तो यहाँ पे फिगर दी गई है जिसमें टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर शेप कैसे कैसे शेप है. जैसे कि फर्स्ट बैक्टीरिया है कॉमा से बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरी. तो ये उसकी एक फिगर है, कॉमा से बैक्टीरिया जिसका शेप कॉमा जैसा होता है. पेरिकल शेप मतलब स्पीयर जैसे होता है, दैट इज कोकाई जिसको बोलते हैं हम, ये उसकी एक फिगर है. रॉड शेप बैक्टीरिया एंड द लास्ट वन इज द स्पाइरल शेप बैक्टीरिया. तो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगिस. फंगी जिसको हम फंगस भी बोलते हैं. तो दीज आर अ नॉन ग्रीन प्लांट एंड हैंस कैन नॉट मेक देयर ओन. ये वाले प्लांट है वो कैसे है, नॉन ग्रीन. नॉन ग्रीन का मतलब कि वो अपना खुराक खुद नहीं बनाते हैं, उसको किसी पर डिपेंड रहना पड़ता है, वेदर दे आर अ लिविंग और अ नॉन लिविंग. ओके, सो दे आइदर लिव एज अ पैरासाइट. पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि जो किसी होस्ट में से अपना फूड ले लेते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरासाइट. ओके, और ग्रो ऑन द ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर सच एज अ ब्रेड और मोल्ड. ओके, तो दीज आर द फंगी. ये दो एग्जाम्पल दी गए आपको फंगी के. ये ब्रेड मोल्ड है, तो ब्रेड मोल्ड पर हमें ये फंगस देखने में मिलते हैं. ये प्लांट है, वो प्लांट पर भी हमें फंगस देखने मिलती है.
Now, fungi like mushroom molds, mildew, and are the eukaryotic. It means that they have a true nucleus. Eukaryotic हमने आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि भाई सेल होते हैं उसमें दो टाइप के यूकेरियोटिक एंड प्रोकेरियोटिक. तो प्रोकेरियोटिक यानी कि वो स्टार्टिंग वाले सेल्स होते हैं एंड यूकेरियोटिक मतलब कि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है. प्रोकेरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है. तो ये जो है फंगस मशरूम्स ये सब में न्यूक्लियस होता है. द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ फंगी फंगस की हम मेन कॉम्पोनेंट की बात करें तो फर्स्ट वन इज द हाइफे. तो दे आर अ थ्रेड लाइक अ फिलामेंट which appended into the substrate. Secrete enzymes to break down the nutrients into the smaller molecule and absorb them. तो ये हैबे का काम क्या है? वो जो सब्सटेंस होते हैं उनमें से खुद में से एक एंजाइम सीक्रेट करता है और जो एंजाइम होता है वो हेल्प करता है टू ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट्स. और सेकंड पार्ट इज द स्पोर. ये हमें इधर पार्ट में दिखाया गया है. ये है स्पोर्स. ओके, तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ अ सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द स्पोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दे कैन अडैप्ट फॉर अ डिस्पर्सल एंड अ सर्वाइवल फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ अ टाइम इन अ फेवरेबल कंडीशन. मतलब कि अपनी फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं. Algae is the one type of fungus. So these are a simple plant like organisms which are usually aquatic in the nature. मतलब कि normally वो पानी में ही रहते हैं इसीलिए उनको aquatic बोला गया है. They contain a cell wall and a chlorophyll and can make their own food. तो यहाँ पे बात की है chlorophyll की. We know that के प्लांट होते हैं उसके लीव्स में क्लोरोफिल होता है. दिस क्लोरोफिल इज यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बिकॉज क्लोरोफिल यूज सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेक देयर ओन फूड. तो सिमिलरली एल्गी में भी क्लोरोफिल होता है उसके वॉल में. दैट मीन्स एल्गी भी अपना फूड खुद प्रोड्यूस करता है. ओके, यूजिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो एल्गी भी दो टाइप की होती है. मे बी अ यूनिसेल्युलर और अ मल्टी सेल्युलर. यूनिसेल्युलर मतलब आपको पता है कि सिंगल सेल्युलर होता है और मल्टी सेल्युलर मतलब बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है. सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स आर उसके जो कॉमन एग्जांपल्स है वो डायटॉम्स एंड द क्लैमिडोमोनास. ओके, नाउ थर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम बात करेंगे तो जो है प्रोटोजुआ. तो प्रोटोजुआ आर अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. तो प्रोटोजुआ जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं मतलब कि एक ही सेल से बने हुए होते हैं. Some of them live independently while other lives in the parasite. Parasite का मतलब हमने आगे भी बता दिया. काफी जो होते हैं वो independently रहते हैं मतलब single water में रह लेते हैं. और some are the parasite मतलब उनको जिंदा रहने के लिए किसी host की जरूरत होती है. वो किसी की body में जिंदा रहते हैं. So they are called the parasites. Many of the parasite protozoa cause the disease. और जो parasite होते हैं उनकी वजह से ही disease होता है. प्लांट में अगर हम बात करें या एनिमल में ह्यूमन में इन सब में जो पैरासाइट प्रोटोजुआ होता है वो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो एग्जांपल की हम बात करें तो अमीबा प्लाज्मोडियम पैरामीशियम्स आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजुआ. तो यहाँ पे आपके लिए नॉलेज के लिए सिर्फ दो फिगर हमने दिखाई है अमीबा एंड पैरामीशियम की. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें वो है वायरस. तो वायरस आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आगे जितने भी देखे ना उनसे भी ये डिफरेंट होते हैं बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल. मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि वी नो दैट बैक्टीरिया तो छोटा ही होता है बट वायरस तो बैक्टीरिया के भी बॉडी के अंदर घुस के वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं. यहाँ पे फिगर्स मैंने आपके लिए रखी हुई है. तो ये जो सिर्फ है वो है एचआईवी वायरस हेपेटाइटिस बी एबोला वायरस ये सब नाम आपने सुने हुए हैं. ओके, और ये जो लेटेस्ट हमारा वायरस है अभी तो सब जानते हैं कोरोना. ओके, तो ये जो वायरसेस है वो बॉडी के सेल बॉडी में भी जो सेल होते हैं वो सेल के अंदर जाके वो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ओके, तो ये फिगर्स थी आपके लिए.
Now let's some information about the virus. So virus are much smaller than the bacteria and come in a wide variety of a shape and sizes. So virus ke shape bahut different. Hum jaise ki bacteria mein humne 3 ya 4 shape dekhe, to virus mein aise nahi hote, wo alag alag shape ke hote hain. A complete virus particles is known as the virion. And a virion consists of a nucleus, nucleic acid surrounded by the capsid. Uske paas capsids hota hai. And capsid is a protective coat made of a protein. और प्रोटीन से बना हुआ होता है ये कैप्सिड्स। The subunit of this protein called the capsomers. Virus can be seen only by the electronic microscope. तो आगे बताया वैसे बैक्टीरिया के लिए माइक्रोस्कोप चलता है, बट वायरस इतने छोटे होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखने को मिलते। उसके लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। ओके, नाउ आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे डू नॉट शो reactions and hence they can be crystallized and stored like a non-living. मान लो कि भाई वायरस ऐसे कोई जगह पर बैठा हुआ है, जैसे कि मान लो कि भाई मेरे हाथ पर बैठा हुआ है यहाँ पे अभी, तो ये non-living है। मतलब जब तक उसको कोई प्लेस नहीं मिलता तब तक वो non-living activity में ही रहता है। जैसे कि हमने पता है कि भाई कोरोना वायरस के बारे में सुना है कि वो नॉर्मली प्लास्टिक पर 8 घंटे या मेटल पर 12 घंटे तक लिविंग रहता है। तो लिविंग रहता है मतलब वो वैसे ही पड़ा ही रहेगा, बट जब वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं, सेल के अंदर चले जाते हैं, तो वो हाईली एक्टिव हो जाते हैं। ओके, तो ये चारों टाइप के हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पे है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट। सारी जगह रहते हैं, फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू द हॉट स्प्रिंग। मतलब ठंडी से ठंडी जगह से लेके गर्म से गर्म जगह हो ना, वहां पर भी ये देखने को मिलता है। एंड डेजर्ट टू अ मैसिव लैंड। सम लिव इंडिपेंडेंटली व्हाइल अदर लिव एज अ पैरासाइट। बिल्कुल आगे के जैसे, जैसे हमने बैक्टीरिया में भी देखा था, वैसे वायरस भी काफी जो होते हैं वो सिंगल रहते हैं, इंडिपेंडेंटली रहते हैं, और काफी जो होते हैं वो पैरासाइट। जैसे कि हम कोरोना की बात करें तो कोरोना पहले जो नॉर्मली होता है बाहर पड़ा रहता है तो वो इंडिपेंडेंट कहलाता है, बट जब वो बॉडी के अंदर चला जाता है तो वी आर द होस्ट फॉर दैट। सो हम होस्ट हो गए और वो पैरासाइट बन गए। तो इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो रहते हैं, जो हमने आपकी बात कर ली। ओके, नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ऐसा नहीं कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम सिर्फ डेंजर ही होता है, वो अनयूजफुल होता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे काफी यूजेस हमने लिखे हैं कि प्रिपरेशंस ऑफ अ कर्ड ब्रेड एंड केक। तो कर्ड ब्रेड एंड केक बनाने के, जैसे कर्ड में पता है हमें कि लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरियाज होते हैं। ओके, तो ये यूजफुल रहता है ब्रेड बनाने के लिए, कर्ड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए। प्रोडक्शंस ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, प्रिपरेशंस ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन्स, क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट एंड इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। तो ये सारे यूजेस है। तो ओनली इसीलिए हमारा चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स एंड फो। मतलब वो हमारे फ्रेंड्स भी है और वो हमारे दुश्मन भी है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाने चाहिए सारे। अगर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम रहेगी, एंड ये हार्मफुल इफेक्ट है। तो कॉजेस अ डिजीज इन अ प्लांट, एनिमल एंड अ ह्यूमन बींग्स, एंड स्पॉइल अ फूड एंड कॉज द फूड पॉइजनिंग। तो यहाँ पे हमने डिस्कस की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस एंड हार्मफुल इफेक्ट।